कौमी बिल की मंजूरी पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर ख़ज़ाना को पास बुलाकर शाबाश भी दी। कौमी असम्बली का इजलास आज 11 बजे शुरू होगा। ये अवाम कातिल बजट है, माहिर मईशत सर पकड़ कर बैठे हैं। अमदा शहबाज कहते हैं इस नाअहली नालायकी और करप्शन का अब क्या बंदोबस्त किया जाए। इनके मईशत के आइंस्टाइन असद उमर ने 6 माह जाया किए सोचने में कि आईएमएफ के पास जाएं या नहीं। स्टेट बैंक को आईएमएफ के हवाले कर दिया, महंगाई आसमान से बातें कर रही है और इमरान खान कहते हैं हुकूमत क्या करे। इनके हवारियों को अब जान के लाले पड़ गए। पीटीआई का जनाजा धूमधाम से निकलेगा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस, एफआईए ने बैंकर्स को क्लीन चिट दे दी। अदालत ने इस्तफसार किया कि अगर केस दूसरी अदालत मुंतकिल हो गया तो जमानतों की दरख्वास्त का क्या बनेगा। कानून के मुताबिक जमानत की दरख्वास्त वापस नहीं हो सकती। इस्तगासा ने बताया अगर अदालती दायरा अख्तियार ना रहे तो जमानत की दरख्वास्त गैर मुअस्सर हो जाएगी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील की दरख्वास्त। चीफ जस्टिस अथर मिनुल्ला ने कहा ये सारे मामला जेर अल्तवा अपीलों से मुतालिक हैं, अगर कोई भी ऑर्डर दें तो क्या फरीकैन का फेयर ट्रायल का हक मुतासर नहीं होगा। हो सकता है जिनकी अपीलें हैं वो इस केस में इंक्वायरी चाहते ना हो। मुल्क की पहली कौमी सलामती पॉलिसी का इजरा आज होगा। पॉलिसी में मईशत, फौजी और इंसानी सिक्योरिटी के नुकात शामिल। मुआशी सिक्योरिटी की मरकजी हैसियत, वज़ीर आज़म इमरान खान अहम नुकात से आवाम को आगाह करें। और मुल्क में कोरोना मरीजों में मुसलसल इजाफा, 3567 नए केसेस सामने आए। मस्बत केसेस की शरह 7.36% हो गई, पिछले माह ये शरह 1% से भी कम थी। लाहौर में पॉजिटिविटी रेट 9.6% हो गया। पंजाब में 843 नए केसेस रिपोर्ट।